आज हम बनाने वाले हैं मटर के पाए। हमने पाए को गला के लिए हैं और हम अब इसको बघारेंगे। इसमें हमने 4 से 5 डोंगे तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पाए का ऑलरेडी बहुत चिकना है, इसके लिए हम थोड़ा ही डालेंगे। अब हम 1 चम्मच शाहजीरा डालेंगे और 1 चम्मच पीसे हुआ गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा अक्खा मसाला भी डालेंगे इसमें। साबुत काली मिर्ची, दालचीनी, थोड़ा सा 1 चम्मच अदरक लहसुन, क्योंकि हमने इसमें भी ऐड करी है अदरक लहसुन, इसके लिए इसमें खोपरा दही बादाम हमने पीस के रखा था वो हम पेस्ट डालेंगे इसमें। खोपरा दही बादाम हमें अब इसमें दही खोपरा बादाम में हमने हल्दी डालेंगे। अब मिर्ची डालेंगे, मिर्ची हमने 4 से 5 चम्मच डालेंगे क्योंकि पाए ज़्यादा हैं, इसके लिए हम 4 से 5 चम्मच डालेंगे। 2 चम्मच हो गए हैं, 3, 4 5 चम्मच हमने मिर्ची डाले हैं। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक हम देख के डालेंगे क्योंकि पाए गलने के टाइम भी नमक डाले हैं बहुत सारा, 1.5 या 2 चम्मच डालेंगे। अब इसको हिलाएंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसका तेल छूटे जब तक पकाएंगे अच्छा से। अब हम इसका चिकना छूट चुका है, अब हम इसमें हरा धनिया पुदीना डालेंगे। इसमें गरम मसाला हम डाल चुके हैं स्टार्टिंग में, कोथमीर पुदीना डालेंगे। अब हमारा मसाला पक चुका है, अब हम इसमें पाए का सिर्फ थोड़ा सा शेरवा डालेंगे क्योंकि वो पाए बहुत गल चुके हैं, हम लास्ट में पाए डालेंगे पूरे एक साथ, क्योंकि पाए बहुत गल चुके हैं हमारे। देखो आप कितना टेस्टी लग रहा है ये सालन देखने को ही। अब हम मिक्स करेंगे इसको, हमने पाए का जो शेरवा है वो डाले हैं। अब इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। अब हम पाए ऐड करेंगे क्योंकि उसका पहले हमने पानी डाले थे शेरवा, अब हम पाए डालेंगे। आप भी ट्राई कीजिए, पाए का सालन बहुत अच्छा बनता है और हेल्दी भी होता है। पाए खाने से हमारे पाए बहुत गल चुके हैं, इसके लिए लास्ट में डाल रहे हैं हम। अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से इसको। ये खोपरा का भी चिकना बहुत छोटा है और पाए भी बहुत चिकने होते हैं, आप देखिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइए ज़रूर। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, 2 से 3 नींबू लिए हैं हम। अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे लास्ट में,
और थोड़ा सा एक बार गरम मसाला और एक चम्मच डालेंगे। अब हमारा सालन पक चुका है फाइनली। अब हम थोड़ी इसमें कोथमीर डालेंगे। इसमें कोथमीर डालेंगे, लास्ट फाइनल पक चुका है। आप भी ये सालन को, पाए के सालन को ट्राई जरूर कीजिए। कैसा बना, कैसी लगी आपको रेसिपी, कमेंट में जरूर जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करें। बाय, हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।